खान ने भोपाल में मंत्रियों से वन टू वन चर्चा की। उन्होंने वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से बातचीत की। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बातचीत के बाद कहा, सीएम के साथ प्रदेश के आर्थिक मसलों पर चर्चा हुई है। उन्होंने चर्चा को काफी सकारात्मक बताया। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के मुताबिक सीएम ने कोरोना से निपटने के लिए किया जा रहे प्रयासों और तीसरी लहर को लेकर की जा रही तैयारियों पर चर्चा की। साथ ही आदिम जाति कल्याण विभाग की मंत्री मीना सिंह से भी विभागीय योजना और कल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की जानकारी ली। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा मंत्रियों ने। मुख्यमंत्री जी, जैसा कि हमेशा इस प्रकार से मंत्रियों से, सारे मंत्रीगणों से वन टू वन चर्चा करते हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बड़ी बात है कि वो सबको बुला करके 5-5-10 मिनट चलती है, विचार विमर्श करते हैं, बात करते हैं। आज उसी सिलसिले में आज मेरी भी भेंट हुई है, तो वित्त विभाग से संबंधित तो सारी बात हमारी हुई है कि भाई कमर्शियल डिपार्टमेंट में आबकारी में, पंजीयन में, GST में क्या प्रोग्रेस है और कैसे आय बढ़ाई जा सकती है, और भी डिपार्टमेंट जो वित्त विभाग से संबंधित हैं, जो रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले विभाग हैं, जिनसे रेवेन्यू प्राप्त होती है, उन सब विभागों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई है। भाई माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चाय पर चर्चा हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में चिकित्सा शिक्षा विभाग और गैस राहत विभाग में आगे कुछ क्या क्लब करना है उसकी पूरी प्लानिंग हुई, विगत दिनों की समीक्षा और उसके साथ साथ अगले दिनों में हमें इन दोनों विभागों के माध्यम से सभी योजनाओं को अपनी जामा पहनाने का पूरा एक कैलेंडर तैयार किया है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर की अनुमान विशेषज्ञों द्वारा लगाया जा रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ संबंधित जो योजनाएं चलती हैं या अभी चलने वाली हैं, उन योजनाओं के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई है। आप सब जानते हैं कि मैं अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग की मंत्री हूँ और जो हमारे कमजोर तबके जो लोग हैं इन दोनों वर्गों से, इन्हीं दोनों तबके के लोगों के लिए काम करना है और बहुत सारे मैंने नए प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए हैं कि इन क्षेत्र में भी काम करना है, ताकि हमारे आदिवासी भाई बहन, अनुसूचित जाति के भाई बहन आत्मनिर्भर बन सकेंगे और उनका जीवन अच्छा हो सकेगा। मध्य प्रदेश में 21 जून